यार बोलने दो, बंदा हर टाइम सोता रहता है। और ये भी घायल है। ऐसे क्यों करा भाई? बालाजी और खाटू श्याम जी, क्योंकि जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी तो उससे पहले मैंने बोला था कि जब भी मैं अपनी गाड़ी लूँगी तो पूजा के लिए ज़रूर आऊँगी। तो गाड़ी लिए 2 महीने हो गए पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अभी कुछ फ्रेंड्स का प्लान बना है तो मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ, तो चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो अभी बज गए हैं 4 और 2 बजे हम लोग निकले थे। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ खाना खाने। क्या हो पटर भाई, मेरे ब्लॉग के बीच में क्यों आ रहे हो? अबे साले, आपका हाथ आ गया। पटर भाई ऐसे मत किया करो, कुछ खा लेते हैं। तो ये खाना आ गया और बिल्कुल सबर नहीं हो रहा, पहले खाना खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, 6 बज रहे हैं और रास्ते में हमें 4 घंटे का जैम दिखा रहा था। और यार बोलो मत यार, सस्ते मेरे जैम। 4 घंटे का जैम था, पर ऐसे बोलते हैं ना कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो जैम बंद हो गया। मतलब हम यार बोलने दो, बकवास, बंद हो गया। जैम तो पहले ही तक होता है। हम शॉर्टकट से निकल के आ गए और हम जल्दी पहुंच गए, मतलब 3 घंटे का जैम से हम। यार एक बात बताओ, 4 घंटे गाड़ी चलाई है, गाड़ी की चारों की 4 घंटे बोल रहे। बोलो यार, आपने बंद क्यों करा पहले तो बताओ। मैं मतलब सोने से पहले तक मैं गाड़ी चला रही थी। टेल यू वन थिंग, पहली बात तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। कहाँ से आते हैं? दूसरी बात ये, चू चू मत करती रहो, सुनो मेरी बात गाइस। देखो मैं बताता हूँ, 4 घंटे मैं 4 घंटे क्या, 12:30 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, 6 बज गए देख लो, 6:09 मेरी बात तो सुनो यार। 2:30 बजे निकले थे। अरे बात बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में सिर्फ यही वॉच टाइम आएगा, देख लेना बाद में एनालिटिक्स। इधर आओ, इधर दिखाओ, मेरी बात सुनो। 6:30 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिसमें आधा घंटा इन्होंने चाय वाय पी होगी, कुछ खाया पिया हमने। 5 घंटे से मैं कार चला रहा हूँ, जिसमें 4 घंटे खराटे मार मार के सोई है भाई बंदे। देख रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। 4 घंटे से पोटर भाई गाड़ी चला रहे हैं। वो देखो, मुझे लगा आप मेरे फेवर में कुछ बोलने वाले हो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? मैं जनानियों के फेवर में नहीं बोलता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पोटर भाई ये लाइन काट दूंगी मैं। सो रहे हैं बेचारे, ये सब छोड़ दो गाइस। गाइस मेरा व्लॉग चेक कर लेना, अगर ये विश्वास ना हो तो आप मेरे पे टेस्ट कर। हाँ देख लेना, मैं कहीं नहीं सोई हूँ गाइस। ठीक है गाइस। और पोटर भाई और रिश्तेदार आ गए तुम्हारे। पोटर भाई रिश्तेदार। केदारनाथ वाले व्लॉग में भी पोटर भाई सो रहे थे और अभी भी सो रहे हैं गाइस, देख लो। ये बंदा हर टाइम सोता रहता है। पोटर भाई उठो, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। कोई बात नहीं, बाबा जी बुला लो जल्दी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे का जाम था, यही जाम था वो। तो सुबह के 6:30 बज गए हैं और यहाँ पे बहुत धुंध हो रही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है, लाइक थोड़ी देर में बहुत धूप, कहीं बारिश, कहीं धुंध, बस मौसम चेंज हुए जा रहा है। गाइस 9 बज गए, हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं और ये सब सो रहे हैं, सब बहुत गंदी तरह से सो रहे हैं ये सब। ये देखो लाश। अरे बिल्कुल नहीं सोई हूँ, देखो मैं एकदम फ्रेश हूँ, साफ झूठ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। चल आने से पहले मुंह धो। कितना झूठ बोलते हैं यार ये लोग। मारो मुझे। फाइनली गाइस 9 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं और अभी पहुंच गए हैं, तो अभी हम लोग नहाए धोए नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो अभी हम लोग होटल कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए, ताकि सब लोग नहा लें धो लें, फ्रेश हो जाएं, रेडी हो जाएं, उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। तो दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अभी अभी मैंने बैल्कनी खोली तो मुझे सुबह सुबह महादेव के दर्शन हो गए। महादेव का यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है, बहुत प्यारा सा। और अब हम जा रहे हैं, हमेशा की तरह मैं ही पहले रेडी हो गई हूँ, और कोई भी रेडी नहीं हुआ है, और अब हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी मंदिर और अभी हम ले रहे हैं प्रसाद जस्ट मंदिर के सामने से। तो अपने को क्या दिक्कत है?
तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक भगवान जी खुद ना बुलाएं तब तक बुलावा नहीं आता। मैं 3 महीने से सोच रही थी कि कब जाऊंगी और आज जब मैं आई तो इतने अच्छे दर्शन हुए पंडित जी ने हमें भी दिए, बालाजी इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं अभी वर्ड्स में ना वो चीज़ डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ और वो मेरे माइंड से अभी वो चीज़ें जा नहीं रही हैं। तो पहले मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो भी पानी पीती है गाय वो मीठा पानी पीती, खारा पानी नहीं पीती गाय। तो सारी गायें जो आगे अपंग गाय भी है और बाकी अदर पशु भी है, क्योंकि वो अगर उनका इलाज नहीं होता तो यहाँ ला के इलाज किया जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है उनके लिए। तो गाइस जैसा कि हमें महाराज जी बता रहे हैं, तो अब हम पहुँच गए गौशाला और यहाँ पर ये इंडिया का सबसे बड़ा गौशाला है, यहाँ पे 2500 गायें हैं। हाँ, ये कितनी प्यारी लग रही है। इतनी सारी बत्तख के बीच में एक अलग सी बत्तख। भगवान के प्रसाद में 56 भोग रखते हैं इन लोगों ने। गौशाला में भी गाय माता के लिए 56 भोग रखे हुए हैं। बहुत दिल खुश हुआ ये देख के। आप सीधा खिला दो बिना तोड़े, सब आ जाएंगे। आप हाथ डालो, जैसे गाय चारा अगर भी बांटते हैं ना तो वो थोड़ा से गुड़ के गोले बना के देते हैं। गाइस 2500 गायें हैं यहाँ पे, मजाक नहीं कर रहा मैं। बहुत खुशी हुई चारा खिलाकर। ये देखो बहुत सारी गायें और यहाँ पे इस साइड जो हैं वो अपंग है, मतलब जो जिनके किसी के पैर में प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है वो उस तरीके की अपंग गायें इस तरह की। ये देखो। तो बस अब चलते हैं गौ माता की पूजा करने, गौ माता का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये बालाजी की बहुत बड़ी मूर्ति ये गौशाला के अंदर ही है। एक और है लेकिन वो जैसे एक हाथ उनका आशीर्वाद, ये है दास हनुमान आशीर्वाद। इसके अलावा ये टोरंटो में लगी है इसकी, और वहाँ जो लगी है वो गोल्डन कलर की है। यहाँ पे भी गोल्डन कलर करने वाले थे लेकिन हनुमान जी को मंजूर यही था। तो यहाँ पे ये सारे इतने सारे पक्षी हैं ये, और जो अभी ये पिकॉक दिखाया जा रहा है ये यहाँ पे बीमार है, इसलिए ये इनकी सेफ्टी के लिए इनकी हेल्प कर रहे हैं। गाइस ये देखो पूरा टीवी लगा हुआ है और ये नीचे ये मोर जितने हैं ये 10 मोर हैं टोटल, और ये अभी घायल है तो इसलिए ऐसे रखा हुआ है इन्हें। और ऐसे काफ़ी सारे पक्षी हैं, डक वग भी मैंने आपको दिखाई, तो काफ़ी ये इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है और इस तरीके का हिसाब किताब है। और ऊपर अगर टीवी में देखोगे तो ये गायें उधर, अभी नीचे यहाँ पे इस तरफ पे गाय का ऑपरेशन थिएटर भी था, मतलब जो घायल हैं उनका यही ध्यान रखा जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर एक्सरे करने का जो भी होता है। तो ये गौशाला का स्कैन कोड है, जिसको भी अपनी तरफ से कुछ भी दान करना हो वो स्कैन कोड की मैं फोटो भी डाल दूंगी साइड में, इस पे कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों की छोटी सी हेल्प से बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है।
अनुप जी थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बोलूं, पर थैंक यू सो मच। फिर जल्दी बुलाएं आप सबको, धन्यवाद। जय बालाजी, जय श्री बालाजी। आज इतने अच्छे दर्शन हो गए, पता नहीं मैं शौक से कैसे निकलूंगी। आपके कैसे दर्शन हुए? बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, और वैसे भी हम आजकल जहाँ पर भी जा रहे हैं मोस्टली साथ में जा रहे हैं। और आज एक और चीज हुई, हम सब सुबह मतलब किसी का ऐसा कोई कोट सेट नहीं था कि कोई सेम सेम कपड़े पहनेगा, और जैसे ही सब बाथरूम से नहाना गए सबने रेड पहना हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली रेडी मिला है। हाँ, मुझे रेड नहीं, मुझे पिंक मिला है, पिंक रेडिश में ही है मतलब ये। हाँ, लेकिन सेम सिमिलर ही है सब कुछ, जो हाँ, भी है जितना भी है। पर अभी तक मैं शौक में हूँ, और मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर पा रही हूँ कि आज क्या हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री बाला, जय श्री बाला जी। तो गाइस हम निकल गए हैं यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। वैसे लेट हो गया, 4 बज गए, और 6 बजे वो मंदिर बंद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। और यहाँ से अभी 2 घंटे का रास्ता है। तो अभी सब लोग चाय पी रहे हैं, चाय पी लेते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है, इस मौसम में दिल्ली में ऐसे चाय पकौड़े खाते हैं, पर कोई बात नहीं, आज खाली चाय पी लेते हैं। अरे भैया भैया रुको, सो रिक्शे वाले भैया की लड़ाई, और पता नहीं अच्छा दर्शन नहीं होने दे रहे हैं हमारे, वैसे बारिश हो गई है। जल्दी से बस दर्शन हो जाए। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मंदिर है, और अब हम जा रहे हैं रिक्शे से। हर हर महादेव साथ में, जय आगे बोलो ना, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत अड़चनों का सामना करते हुए बहुत बड़ी कीचड़ का गड्ढा मिल गया, सबके रिक्शे फंस रहे हैं, और मैं जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। रिक्शे से उतार दिया, कीचड़ बोल के भाई, कीचड़ हम पे क्यों कह रहा है, लड़कियां बैठी हैं रिक्शे में। हाँ यार, हम लड़के हैं भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो गाइस बारिश हो रही है, और नंगे पैर जाना पड़ रहा है, और बारिश की वजह से ना जो मिट्टी मिट्टी था, लाइक नॉर्मली इतना ये नहीं होता प्रॉब्लम, पर जो मिट्टी मिट्टी वो सारा ऊपर नीचे बह गया है, और सारे पत्थर पत्थर आ गए, बहुत पत्थर चुप रहे हैं। दिल्ली पहुंच गए खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने भी। हम पहुंच गए घर के पास, और हम मैगी खा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं सब अपने अपने घर। तो बॉर्डर भाई आप मेरे को ज्यादा मिस मत करना, ठीक है? मैं तो डेली मिस करता हूं, मैं तो मिल जाऊंगा फिर। तो आ जाया करो बॉर्डर भाई, आप ऐसे करते हो पड़ता आपका घर यार, ड्राइविंग में से होती नहीं है, बुड्ढा हो गया हूं मैं यार। बॉर्डर भाई मैंने ड्राइविंग सीख ली, मैं आपको लेने आ जाया करूंगी बॉर्डर भाई। हां फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीख लिया वो, लेकिन नहीं चला पाती उस हिसाब से मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गाइस मैं पहुंच गई हूं घर, और इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे। मतलब पहले भी गई हूं मैं, पर जो इस बार दर्शन हुए हैं वो कुछ अलग थे, बाबा जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। और नेक्स्ट व्लॉग मैं सोच रही हूँ वृंदावन जाऊँ, पहले मैं जाती थी हर महीने, पर अब ऐसे रेगुलर हो ही नहीं पा रही हूँ कि रेगुलर हर महीने जाऊँ। तो ट्राई करूंगी नेक्स्ट व्लॉग वृंदावन का आए, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय।